हेमराज जी को भी हमें जॉइन करना है। रखना हुआ है आगे हेमराज जी इकट्ठे मुबारक हो हेमराज जी। थैंक यू। आइए आप भी साथ आइए साथ आ जाइए तो आप भी साथ आ जाइए हम सामने मैं इधर मैम थोड़ा स्लोली बोल। हाँ मैम बताइए। जी क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज हम यहाँ पर अनुपाल दास जी और हेमराज जी जो असम से और वो दिल्ली एनसीआर से हैं इन्हें हम अदिति वेलफेयर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है WICT ये असम के इंचार्ज हैं प्रेसिडेंट और दिल्ली एनसीआर से हमने हेमराज जी को लिया है। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हर एक लेवल तक वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सकें हमारी मोदी जी की हो सेंटर गवर्नमेंट की हो स्टेट गवर्नमेंट की हो जो भी स्कीम्स हैं वो हर जगह पूरे मेरे देश में हमारी कोशिश होगी हमारे हर देश के हर कोने कोने तक पहुंचे। और मैं वेलकम करती हूं इनका स्वागत करती हूं इनका कि हमारे AWICT में आज ये एक उसका हिस्सा बने हैं हमारी फैमिली का हमारे परिवार का। और आई गेस कि जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी हम लेंगे आगे इस AWICT में वो हम असम में दिल्ली NCR हरियाणा दिल्ली में बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे और इसकी जिम्मेदारी इन दोनों की होगी हेमराज जी की और अनुपाल जी की। एंड आई मस्ट से कि आप आगे आप इन्हें सुने अनुपाल जी आप क्या कहना चाहेंगे जैसा कि आपने आज अदिति वेलफेयर इंडिया ज्वाइन किया क्या किस रीजन के साथ आप आए हैं जम्मू में और इसको ज्वाइन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करूँगा। सामने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करूँगा और बहुत दिनों से मैं सोशल एक्टिविस्ट हिसाब से काम भी कर रहा हूँ असम में और साथ में नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ तो आज मैम के साथ जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैम का जो आशा है और जो विश्वास है मेरे ऊपर मैं वो जल्दी ही अच्छी तरह से निभाऊँ वो मेरे लिए। अदिति जी आपने स्कीम्स की बात की आपने कहा कि हर घर घर हर हर गली नुक्कड़ में आपकी स्कीम्स पहुंचेगी गांव से लेकर शहर होता है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में किस हद तक आपने स्कीम्स पहुंचाई हैं या पहुंची हैं? मैं कहूंगी कि कश्मीर से लेकर जम्मू कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर हमने काम नहीं किया है। जो भी मोदी जी की स्कीम्स हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कुछ हमारे जो ट्रस्ट की स्कीम्स हैं जो हम ट्रस्ट की तरफ से लॉन्च करते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होती हैं चाहे वो लीगल असिस्टेंस जो है वो वुमेन्स के लिए होती है। इस तरह की सारी स्कीम्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक विलेज में कोशिश की है मैंने कि हर तरह पहुँचाऊँ और ये सिर्फ जम्मू में नहीं कश्मीर में भी यही मैं बात करें जम्मू की बात करें तो सुचेतगढ़ की बात करें अरसपुरा की बात करें अरनिया की बात करें मैं अभी काफी सारी स्कीम जो लोगों को पता भी नहीं कि स्कीम्स ये इन लोगों के लिए आम जनता के लिए बिल्कुल अरसपुरा सुचेतगढ़ बिश्ना अरनिया हर एक जगह पर मैं लोगों को हमारे लोग काम कर रहे हैं और जहां नहीं पहुंची होगी आप भी मुझे बताइए मैं जरूर इमीडिएटली पहुंचाऊंगी। देखिए अगर कहीं पर ऐसा है तो मैं जरूर आने वाले वक्त में हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे मैं छोड़ूंगी पूरे जम्मू और कश्मीर में आपको आइडेंटिफाई करके एरिया देंगे आपका ट्रस्ट इमीडिएटली हम उसके ऊपर काम करेंगे
आप जो भी एरिया दीजिए जम्मू और कश्मीर से, मैं इमीडिएटली वहाँ के लोगों को वो सहूलियत दिलाऊंगी, जो स्कीम्स हैं, जो लोगों के वो हैं हक हैं वो जरूर दिलाऊंगी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, कुछ लोगों को एक बात के लिए अवेयर करना चाहती हूँ, प्लीज अपने कागज पूरे रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो स्कीम्स हैं वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपके पेपर्स कहीं ना कहीं कम होते हैं, उसमें कोई कमी होती है, तो प्लीज उसमें भी अगर आपको कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम हियर फॉर यू। आप मुझे बताएं, चाहे आप कहीं से भी पूरे जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, आप मुझे बताइए, आपको इमीडिएटली मैं असिस्टेंस देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।